नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। भारत ने किया टैंक भेदी मिसाइल नाग का परीक्षण। भारत ने देश में ही निर्मित टैंक भेदी गाइडेड मिसाइल नाग का राजस्थान के जैसलमेर स्थित चांदन फायरिंग रेंज में परीक्षण किया। यह मिसाइल हेलीकॉप्टर प्लेटफॉर्म से 7 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती है। इसे DRDO ने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत विकसित किया है। नाग के एक बार सशस्त्र बलों में शामिल हो जाने के बाद मिसाइल को अत्याधुनिक हल्के हेलीकॉप्टर ध्रुव से जोड़ा जाएगा। BCCI ने क्रिकेटर हिकेन शाह को निलंबित किया। ऐसा माना जा रहा है कि BCCI फिक्सिंग में फंसे क्रिकेटरों के नाम सार्वजनिक कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो भारतीय क्रिकेट में तूफान आ जाएगा। BCCI ने IPL में फिक्सिंग करने वाले मुंबई के क्रिकेटर हिकेन शाह को निलंबित कर दिया है। बताया जाता है कि शाह ने इस बार IPL से पहले फिक्सिंग की कोशिश की थी। खबरों के मुताबिक राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी प्रवीण तांबे ने बोर्ड को बताया है कि मुंबई के एक खिलाड़ी ने उन्हें फिक्सिंग की पेशकश की थी। हिट एंड रन मामले में सलमान खान की याचिका पर सुनवाई टली। सलमान खान के हिट एंड रन केस में सेशन कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली सलमान खान की याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई टाल दी। अब उनकी याचिका पर 20 जुलाई को सुनवाई होगी। याचिका में मांग की गई है कि सत्र न्यायालय ने जो सजा सुनाई है उसे रद्द किया जाए। सलमान की याचिका में कहा गया है कि उन पर हजारों लोगों के रोजगार निर्भर हैं और यदि उन्हें सजा होती है तो वे सभी बेरोजगार हो जाएंगे। गौरतलब है कि सेशन कोर्ट ने इस मामले में सलमान को दोषी ठहराते हुए 5 साल कैद की सजा सुनाई थी। भारत में 13,666 विदेशी उत्पादों के पेटेंट आवेदन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वाकांक्षी मेक इन इंडिया कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों से उत्साहित विदेशी कंपनियों ने इस वर्ष जून तक भारत में 13,666 उत्पादों के पेटेंट आवेदन दिए हैं। आधिकारिक सूत्रों ने सोमवार को बताया कि भारत मैड्रिड पेटेंट अधिकार समझौते में शामिल है। इस समझौते में 90 देश शामिल हैं और इनमें से किसी एक देश में कराया गया पेटेंट सभी देशों में मान्य होता है। इसके लिए आवेदक को केवल एक भाषा में आवेदन करना होता है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।